नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने दी श्रद्धांजलि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी व अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हृदय विदारक मौत पर हर कोई गम में है। उनकी मौत पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सदस्यों ने संत मिताशाह बाबा प्रांगण में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सीडीएस का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक योगेंद्र नाथ द्विवेदी ने कहा कि प्लेन क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और अधिकारियों के निधन की खबर प्राप्त हुई। बहुत ही दुखद खबर है। मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस खबर के बाद मन बहुत विचलित है। बहुत ही दर्दनाक हादसा, बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान। हमारे देश के डिफेंस के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान देश कभी भूल नहीं पाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सेवा भाव से देश की सेवा की, जिसे सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। इस दौरान भीम शंकर त्रिपाठी, पुनीत सिंह, अतुल शुक्ला, यतिराज द्विवेदी, ऋषभ द्विवेदी, एस के सविता, अनुज गौतम आदि रहे। जनमंच खबर के लिए उन्नाव से रिंकी सोनकर की रिपोर्ट। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।